जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता होगा आदित्य तिवारी एमसी कोड के बारे में, जिसने बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, और उसमें हमारे कई भगवानों के बारे में भी उसने गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन अभी अभी एक न्यूज आई है जिसमें आदित्य तिवारी मध्य प्रदेश के जबलपुर में पकड़ा गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको पकड़ा है वहां पे। आप ये देखिए कि किस तरह ये भागा भागा फिर रहा था और इसने किस तरह एक इमोशनल कार्ड खेला लोगों के सामने। एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली जिसपे उसने बोला कि उसको अपनी जान का खतरा है, उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं और शायद वो सुसाइड कर लेगा। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश थी उसकी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकामयाब हुआ और दिल्ली पुलिस ने उसको धर दबोचा। मैं दिल्ली पुलिस से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके ऊपर संगीन धाराओं पे केस दर्ज किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और आदित्य तिवारी का केस एक नज़ीर बनना चाहिए ऐसे लोगों पे जो जानबूझकर हमारे हिंदू देवी देवताओं और ग्रंथों के बारे में गलत शब्द का यूज करते हैं या गलत बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।